हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जैसा कि हर एक वीडियो में हम आपके लिए बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। चलिए हम ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हर एक पार्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हर एक पार्ट, क्लियर ना। उससे आगे आपका प्रॉब्लम आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल्स के बारे में आप देखिए कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आपका शुरू होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला न्यूमेरिकल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, क्लियर। तो ये कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास With respect to air, air is 3/2, and refractive index of water with respect to air each, air is 4/3, clear? Calculate refractive index of water with respect to glass. तो चलिए with respect to glass. और second में आपका होगा glass with respect to water. Clear? कि यहां पर अगर देखें तो कहता है कि हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 और 3/2 और हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। ज्ञात करें एक नंबर में क्या कहता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, कि मतलब ग्लास के सापेक्ष पानी या वाटर का अपवर्तनांक, दूसरा आपका होगा कि वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक क्लियर। तो चलिए यहां पर सबसे पहले तो जो डाटा दिया हुआ है पहले हम उसको लिखेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्लियर। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करें क्या क्या दिया हुआ है। तो कहता है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब आपको दिया हुआ है ए म्यू जी, क्योंकि ये आप जानते हैं ये बराबर होता है म्यू जी बाई म्यू ए, ये कितना निकला आपको दिया हुआ है 3/2। गौर से ध्यान देंगे हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, क्लियर, या एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के सापेक्ष ग्लास। सिर्फ भाषा पे ध्यान देना है। तो ये आपका ये दिया हुआ है ए म्यू डब्ल्यू और ये आपका हो जाता है म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए, ये भी दिया हुआ है 4/3। और यहाँ पर देखें आपको निकालना क्या है वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसका मतलब कि वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसका मतलब जी म्यू डब्ल्यू ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, या वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आपको क्या निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी। म्यू डब्ल्यू का मान कितना आपका है 4/3, इट इज 3/2, 8/9। अगेन जस्ट इसके अपोजिट तो डब्ल्यू म्यू जी, तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू म्यू जी
by mu w. It becomes equal to 3 by 2, 3 by 2 or 4 by 3. It is equal to 9 by 8. तो चलिए इसे आप दूसरा एक तरीके से और भी लिख सकते हैं कि अगर आपको g mu w पता है तो ये आप 1 by w mu g कर सकते हैं. तो ये भी आपका एक फार्मूला बन जाता है. क्लियर? ओके, इस क्वेश्चन को लें, लिखें, तब तक हम इंक को देते हैं. चलिए ओके, कंप्लीट ना. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन. चलें, इसका क्वेश्चन भी अच्छा होता है, इजी होता है और आप बना भी सकते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, ए बकेट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू हाइट 60 सेंटीमीटर. क्लियर? When a coin is dropped in it, find apparent position of coin. चलिए बनाएं इसको, सॉल्व करें, अपने से आपका हो जाएगा. कहता है एक बकेट, बकेट का मतलब होता है बाल्टी. एक बाल्टी 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी से भरी है. क्लियर? जब इसमें एक सिक्का गिराया जाता है तो इसकी आभासी गहराई ज्ञात करें. क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है. आप जानते हैं कि द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द मीडियम, कि किसी भी माध्यम की जो वास्तविक डेप्थ होती है उसे रियल डेप्थ कहते हैं. तो इसका मतलब हमें रियल डेप्थ दिया हुआ है, ये 60 सेंटीमीटर है. और म्यू का बात करें तो वाटर का आप जानते हैं ये होता है 4/3 और 1.33. क्लियर? हमें अपेरेंट पोजीशन निकालना है, अपेरेंट डेप्थ निकालना है. तो अपेरेंट डेप्थ इजकल टू क्या होता है? RD/μ. तो ये आपका हो गया 60 बाय 4/3. चलिए इसको सॉल्व कर दें तो ये हो गया 4 से आपका कैंसिल हो जाएगा. इट बिकम्स इक्वल टू 45 सेंटीमीटर. बात समझ गया? तो चलिए इस तरीके से अपेरेंट डेप्थ का क्वेश्चन आपसे बन जाता है, बहुत ही इजी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. बहुत आराम, चलिए बहुत जल्दी बनने वाला क्वेश्चन. क्लियर ना? देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 6 मीटर. Find depth of swimming pool.
find depth of swimming pool. If refractive index water is 4/3. Water is 4/3. Clear? तो ये आपको क्वेश्चन कहता है एक स्विमिंग पूल 6 मीटर ऊपर उठी हुई 6 मीटर ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है 6 मीटर ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। क्लियर? स्विमिंग पूल की स्विमिंग पूल की गहराई ज्ञात करें। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। क्लियर? फिर जो डाटा दिया हुआ है आप देखें यहां पर एक्चुअल में क्या क्या आ रहा है। तो ये कहता है ये जो स्विमिंग पूल है ये 6 मीटर ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है? रियल डेप्थ नहीं, एपरेंट है नहीं। तो जितना ऊपर उठता है वो क्या होता है? नॉर्मल शिफ्ट। तो इसे हम लोग कहते हैं 9S। तो नॉर्मल शिफ्ट आपको दिया हुआ है 6 मीटर और मात्र एक डाटा आपको दिया हुआ है, दिस इज म्यू। बाकी आपको रिलेशन बना लेना। तो जैसे आप देखें कि नॉर्मल शिफ्ट बराबर, आप पढ़े हैं कि नॉर्मल शिफ्ट बराबर क्या होता है, RD - AD। अगर हम यहां से RD को कॉमन लें तो ये आपका निकल जाता है 1 - AD / RD। तो ये हो गया RD 1 - 1/μ, 1 - 1/μ। चलिए सारा डाटा पुट कर देते हैं। ये हो गया NS। ये कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। RD हमें निकालना है 1 - 1/4/3। क्लियर? चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया 6, इट इज RD। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3 ऊपर जाएगा, 1 - 3/4, और 6, इट इज RD, 4 - 3/4, इट बिकम्स इक्वल टू RD * 1/4, और इससे आपको RD निकल जाएगा 6 * 4, इट इज इक्वल टू 24 मीटर। तो इस स्विमिंग पूल का रियल डीप कितना है? 24 मीटर। क्लियर? निश्चित समझ गए होंगे किस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बनता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है एन इंक डॉग, एन इन इंक डॉट इज व्यूड थ्रू 2 मीडियम, एज सोन। कैलकुलेट अपेरेंट डिप। क्लियर? एक इंक डॉट को दिए गए चित्र अनुसार 2 माध्यम से देखा जाता है। आभासी गहराई ज्ञात करें। और इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि ये आपका 2 मीडियम है और यहाँ पर ये इंक डॉट है। क्लियर? तो ये चलिए ये आपका फर्स्ट मीडियम है, तो चलिए इसका μ1 दिया हुआ है 3/2। आप समझ ही गए होंगे ग्लास है, कि ये आपका ग्लास है। क्लियर? और ये आपको T1 9 सेंटीमीटर, T1 9 सेंटीमीटर। क्लियर?
ना देखें ये आपको दिया हुआ है, चलिए 12 सेंटीमीटर म्यू डब म्यू टू, और म्यू टू आपको दिया हुआ है 4/3 और टी टू इजकल टू दिया है चलिए 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर अपेरेंट डेप्थ निकालना है। तो चलिए हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं कि अगर दो चाहे चार मीडियम हो तो शायद अपेरेंट डेप्थ का फार्मूला लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे ना। यहाँ पर आपको अपेरेंट डेप्थ का फार्मूला क्या होता है, तो ये आपको फार्मूला होता है पहला टी वन बाय म्यू वन प्लस टी टू बाय म्यू टू, और भी ज़्यादा मीडियम हो तो ज़्यादा के लिए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें टी वन, टी वन कितना है 9, तो ये आपका हो गया 9/3/2 प्लस ये हुआ 12, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 4/3, 12/4/3। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 9 × 2/3 प्लस 12 × 3/4, आई थिंक ये 2, इट इज 3, ये भी 3, क्लियर। तो 3 × 2 = 6 प्लस 9 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आपको अपेरेंट डेप्थ निकल जाती है। तो अपेरेंट डेप्थ कितनी निकली, तो अपेरेंट डेप्थ आपको निकली 15 सेंटीमीटर, क्लियर फिनिश्ड। निश्चित समझ रहे होंगे कि इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, फाइंड क्रिटिकल एंगल, फाइंड क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण ज्ञात करें, क्रांतिक कोण ज्ञात करें। पहला बिटवीन एयर, एयर एंड ग्लास, एयर एंड ग्लास, क्लियर। सेकेंड बिटवीन एयर एंड, एयर एंड वाटर। तीसरा बिटवीन एयर एंड, एयर एंड डायमंड, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है आपका बिटवीन ग्लास एंड वाटर, ग्लास एंड वाटर। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो एक एक करके जब आप शुरू करेंगे तो आप समझ गए फाइंड क्रिटिकल एंगल, फाइंड क्रिटिकल एंगल का मतलब क्रांतिक कोण ज्ञात करें। तो ये आपका हुआ क्रांतिक कोण ज्ञात करें किसके किसके बीच, एयर एंड ग्लास, एयर एंड ग्लास। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ग्लास है, ये आपका एयर है, ये क्या था म्यू वन, ये था म्यू टू, और इस तरीके से लाइट रे आपकी जाएगी, ये सी होगा और ये आपको आर इजकल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। इसका मतलब किधर से किधर हम लोग जा रहे हैं, तो ये आपका होता है 2 म्यू वन, इट बिकम्स इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू, इट इज साइन सी बाय साइन 90, साइन 90, और इससे आपको मिल जाएगा साइन 91 होता है, तो साइन सी बराबर क्या होता है म्यू वन बाय म्यू टू, इट इज इक्वल टू एयर, और ये आपका ग्लास है, तो अगेन ये आपको निकल जाएगा साइन सी, इट इज इक्वल टू 2/3, जिसे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2/3। वैसे इसका वैल्यू सभी को याद रहता है 42 डिग्री। इसी तरीके से आप ग्लास वाटर सारे का निकाल सकते हैं, चलिए डायमंड का भी आप जानते हैं, डायमंड का कितना होता है 24 डिग्री, पीछे भी हम लोग लिखे हुए हैं। तो चलिए ये 2, 3 आपके लिए। ना हम लोग 4 नंबर को देखते हैं, तो ना जब हम 4 नंबर की बात करेंगे तो देखिए 4 नंबर में क्या कहता है, ग्लास एंड वाटर। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल तभी प्राप्त होता है जब हम डेंसर से रेयर में जाते हैं, अगर हम रेयर से डेंसर में जाएं तो हमें क्रिटिकल एंगल नहीं मिलेगी। तो चलिए हम डेंसर से रेयर में जाते हैं, तो वाटर और एयर में डेंसर कौन सा है, ग्लास। चलिए ये आपका हुआ 4 नंबर।
इस तरीके से ये आपका होगा ग्लास, इट इज म्यू टू, ये हुआ म्यू वन, ये हुआ वाटर, क्लियर। इट इज क्रिटिकल एंगल, और ये अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो ये कितना होगा, आर 90 डिग्री। और देखिए जस्ट पहले हम लोग निकाले हुए हैं साइन सी इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन सी इज इक्वल टू आपका होता है म्यू वन बाई म्यू टू। म्यू वन कितना है आपका, वाटर 4/3, ग्लास 3/2, ग्लास 3/2, 4 × 2 इट इज 8/9, और इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9, 8/9 आंसर। चलिए चलिए निश्चित समझ गया होंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन भी उतना बहुत इजी होता है, आराम से बनने लायक होता है। तो ये आपका हुआ क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन, क्लियर। नाउ हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो कहता है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ऑन वन फेस ऑफ, ऑन वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब थिकनेस 10 सेंटीमीटर, थिकनेस 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, कैलकुलेट लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट कैलकुलेट लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड। क्लियर। चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए, कहता है एक प्रकाश किरण, ग्लास के एक सतह पर 45 डिग्री के कोण से आपतित होती है, पार्श्वीय विचलन ज्ञात करें यदि उसका अपवर्तनांक 3/2 है। चलिए फिर जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को लिखें। तो देखें क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको थिकनेस दे दिया, थिकनेस 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको आई दिया हुआ है 45 डिग्री, और म्यू दिया हुआ है 3/2, और आपको लेटरल शिफ्ट निकालना है। लेटरल शिफ्ट कैसे निकालेंगे, अगर आप लेटरल शिफ्ट के फार्मूला पर ध्यान दें तो ये फार्मूला क्या होती थी, याद है, फार्मूला होती थी आपको कि जैसे लेटरल शिफ्ट डी से साइड डिनोट किए थे, तो डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। इसका मतलब आर का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, हर हाल में आपको आर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आर कितना होगा। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं, सोचते हैं किस तरीके से आप करेंगे। तो ये यहां पर देखें कि ये जब कोई ग्लास स्लैब है इस तरीके से,
और ये भी आपको बोल रहा है कि ये यहाँ से ये 45 डिग्री पर इंसिडेंट होती है, तो ये तो आप जानते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 3/2। ये आपका क्या है, तो ये आपका एयर है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये म्यू इज इक्वल टू आपको होगा इट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। नाउ अगर इसको आप सॉल्व करें तो साइन आई का मतलब साइन 45 डिग्री बाय साइन आर। म्यू का वैल्यू 3/2 1/√2 बाय साइन आर। क्लियर। अगर साइन आर बराबर हम लिखें तो ये साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा 1/√2 बाय 3/2 और इट बिकम्स इक्वल टू 2/3√2। तो इस तरीके से हम आर को कैलकुलेट करेंगे, आर को कैलकुलेट करेंगे, और फिर आपको चूंकि इस प्रकार से इस क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है कि विदाउट कैलकुलेटर या टेबल के हमें ये सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्लियर। वैसे चलें, इसका वैल्यू आ रहा है 0.47, तो इसका वैल्यू हमें आ रहा है 0.4713 और इससे R इज इक्वल टू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ रहा है अप्रॉक्स 28 डिग्री। इट बिकम्स इक्वल टू 28 डिग्री अप्रॉक्स। बाकी इसके बाद आप लैटरल शिफ्ट निकाल सकते हैं, तो लैटरल शिफ्ट का फार्मूला होता है T sin I-R / cos R। तो ये हो गया 10 sin, इट इज साइन 45/28 / cos 28 और 10 sin 28 17 / cos 28। फिर हमें देखना पड़ेगा कि इट बिकम्स इक्वल टू 0.29 / 0.88। और जब आप इसे सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपको आ रहा है 0.033 मीटर। कहने का मतलब है कि अगर डाटा इस टाइप से देगा तो आपको कैलकुलेटर या टेबल चाहिए, तभी हम इसका एप्रोप्रिएट वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी इसके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, समझ में आते हैं, बनते हैं, तो इससे आगे का क्वेश्चन आप अपने बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, बुक से भी बनाइए, और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो यूजिंग एनी सोर्स आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए, वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।